धारावी। हाँ ये वाली नहीं, हाँ ये वाली। इस गांव के अंदर इतनी ज्यादा गरीबी है कि गाइस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लोगों के पास खाने के लिए तक कुछ नहीं है, सब लोग भूखे सोते हैं। बच्चे लोग फटाकों की जिद करते हैं लेकिन मम्मी पापा दिला नहीं पाते तो वो लोग गुस्सा होकर चले जाते हैं। इस गांव में एक बंदा भी खुश नहीं है और वहीं पर हमारे सामने वाले गांव के अंदर सभी लोग खुशी से जीते हैं, फटाकों के साथ धूम धड़ाका करते हैं, मस्त मस्त मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं हमारे सामने होकर। और मैं भी उसी गरीब गांव में रहता हूँ। गाइज आज है दिवाली, हैप्पी दिवाली गाइज, और मैं चाहूंगा कि आप सभी की दिवाली काफी अच्छी जाए। लेकिन हम लोग के पास कुछ नहीं है, ना फटाके है, ना मिठाइयाँ है, ना कुछ है। और वो सामने वाले गांव वाले मजे करते हैं हर दिन। ये सामने वाले शहर में रहते हैं अंबानी सर, पर मेरे को वहां पे जाने के लिए इस ब्रिज से क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ से वहां जाने का सिर्फ एक इकलौता रास्ता है ब्रिज से, पानी काफी ज्यादा गहरा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इसके लिए मेरे को बस ये ब्रिज ही है जो मेरे को वहां लेके जा सकता है। लेकिन ये बीच में जो बॉडी गार्ड है किसी को भी इस गांव से उस शहर जाने नहीं देता है। जब भी कोई जाता है तो वो उसको ऐसे मार मार के मरोड़ डालता है और फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाते। मुझे वहां जाने के लिए कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सोचो 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 आइडिया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मानता हूँ कि ये रास्ता इंसानों की जाने की जगह नहीं है, बट मैं इंसान थोड़ी एक हीरो हूँ, इन सभी का हीरो। मैं इन सभी का हीरो बनने वाला हूँ, तो अभी से मेरे को शुरुआत करनी पड़ेगी। ए बचो 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 बचो, और मैं इस पर आ गया। ओ माय गॉड, और इस ये वहीं पे देख रहा है, उसको पता भी नहीं कि मैं यहाँ हूँ। वेरी गुड, अब मुझे बस ढूंढना है कि अंबानी सर का घर कहाँ है। जहाँ तक मुझे पता है वो ऐसे वैसे घरों में तो नहीं रहते होंगे, कोई बड़े घर में रहते होंगे। भाई साहब अंबानी सर कहाँ रहते हैं? उस तरफ। ठीक है जा रहा हूँ, उस तरफ जा रहा हूँ। भाई साहब आपको पता है कि अंबानी सर कहाँ रहते? अरे सुनो तो सही भाई साहब, मतलब इस शहर में कैसे लोग रहते हैं? कोई एक आदमी से बात भी नहीं करना चाहता है। गाइस मुझे फाइनली लग रहा है अंबानी का घर मिल गया। ये देखो गाइस, अंबानी एंटीलिया लिखा है, और हम सबको पता है कि अंबानी जी कहाँ रहते हैं? एंटीलिया में। चलो फाइनली मुझे अंबानी सर का रूम मिल गया, फटाफट चलते हैं। अंबानी सेठ। अरे भाई तुम कौन हो? मेरे रूम में कैसे आए? निकलो बाहर, हटो हटो। अरे अंबानी सर सुनो, दो मिनट यार, दो मिनट शांति से हम बात कर सकते हैं। अंबानी सर प्लीज दो मिनट रुक जाओ, मारो मत। सर मैं आपका ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, आप आराम से, सर आप सिंहासन पे बैठिए, आपके हम आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी बोलो जो भी बोलना है, ज्यादा टाइम नहीं है। अंबानी सेठ मैं बाजू के गांव से आया हूँ और हमारी वहां पे हालत काफी ज्यादा खराब है। हम लोग के पास मिठाइयाँ नहीं है, बच्चे फटाके के लिए रोते हैं, हम लोग के पास रहने के लिए जगह तक नहीं है, सब लोग एक रूम में 25-25 लोग रहते हैं। कुछ तो आप कीजिए अंबानी सर। अरे भला इसमें मैं क्या करूँ, तुम लोग कमाओ और खाओ, मजे से खाओ। मैंने भी इधर बहुत कमाया है पैसा और तब जाके ऐसी आलीशान जिंदगी जीता हूँ। तुम लोग भी पैसा कमाओ, थोड़ा काम भी करो। अरे सर इस बार आप थोड़ी सी मदद कर देते तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता, हमारी दिवाली अच्छी जाती। दिवाली एक लाइट का त्यौहार होता है और हम पूरी तरह अंधेरे में जी रहे हैं काफी टाइम से। क्या मतलब मदद कर देते तो? तुम लोग खुद का कमाओ ना पैसा। हाँ निकलो मेरे घर से, भीख मांगने आ गए। अरे सर सॉरी। अरे सर प्लीज सर, नहीं, यहाँ से निकल जाओ, चुपचाप निकलो यहाँ से। ठीक है सर निकल रहा हूँ, हैप्पी दिवाली। गाइस देखो इन लोग की, इन शहर वालों की दिवाली क्या मस्त चल रही है। फटाके विड़ाके फोड़ रहे, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बड़े मस्त मिठाइयाँ बांट रहे, खुशियाँ बांट रहे, और यहाँ मेरा गांव शांति से सो रहा है घर पे। ये लोग तो यहाँ पे हम लोग को ढंग से सोने भी नहीं दे रहे इनकी आवाज़ों की वजह से। ये लोग तो मस्त फटाके फोड़ रहे, अलग अलग स्टार वाले, क्रीपर वाले, कलरफुल। भाई क्या क्या मस्त मस्त फटाके फूट रहे यहाँ पर, और यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर रहे, यहाँ हम सो रहे हैं, हमको ढंग से सोने भी नहीं दिया जा रहा है। अब गाइस इन लोग का बहुत ज़्यादा हो गया है, ये लोग मेरे लोगों को सोने नहीं दे रहे। अरे यार मेरे पास खाना भी नहीं है भागने के लिए। अब मैं गाइस इन लोग को छोड़ूंगा नहीं, मेरी ये एक्स और अभी इन लोग का मुंह होगा। एक सेकंड, ये क्या है? फ्रॉम अंबानी स्माइली। बच्चों के लिए रॉकेट्स, देखूं तो कैसे, क्या सही रॉकेट्स है यार। वाह
बच्चों के लिए बाकी के रॉकेट छोड़ दो, उसमें क्या है? खाने की आइटम, एंचेंटेड गोल्डन एप्पल्स। सच में यार ये दिल से भी बहुत अमीर है। पहले मैं खुद कुछ खा लेता हूँ, यहाँ मेरे हालत खराब है बिना खाए। लास्ट में क्या है? इतना सारा डायमंड गोल्ड एंड एमरल्ड। अभी गाइस हमको रात को सोने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी रात को भी फटाके जलाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे एंड मस्ती करेंगे। यार मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेचारा कितनी सारी उम्मीदें लेके आया था मेरे पास। मैंने उसको मैंने उसे तलवारों से मार मार के भगाया है, मैंने काफ़ी गलत किया है। ए छोटू जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ। हाँ सुन, सामने वाले गोडाउन से सारा का सारा दिवाली का सामान लेकर सामने वाले गांव में भिजवा दे, इस साल उनकी भी दिवाली एकदम धूमधाम से बननी चाहिए। गांव वालों एक खुशखबर है, खुशखबर है गांव वालों, सब सो क्यों रहे, उठो गांव वालों, खुशखबर उठो यार, तुम लोग क्या सो रहे हो यार इतनी दिवाली की रात को, उठो सब लोग, बच्चों को उठाओ सब लोग उठो। एंड उस दिन के बाद से मेरा गांव खुशी से झूम उठा एंड कोई भी वहां पर दुखी नहीं था। मेरे गांव की तरफ से हैप्पी दिवाली, और हाँ मेरी तरफ से भी एक और बार हैप्पी दिवाली। इस वीडियो को गाइस एक लाइक मार देना अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो में फ्यूचर में भी लाते रहूं तो प्लीज़ नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।